जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CUET PG का जो आंसर की है, आंसर की जो है आपका आ चुका है। तो अब बहुत सारे जो लर्नर्स हैं उनके दिमाग में कई सारे सवाल हैं, जिन्होंने पहली बार जो है दिया हुआ है और उनको पता नहीं है कि हम आंसर की और जो रिस्पॉन्स की है वो कहाँ से ले आएंगे और कैसे उसको मैच करेंगे, क्या सही तरीका होता है और कैसे अगर कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि वो गलत है तो कैसे हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। जितने भी आपके तमाम प्रॉब्लम्स हैं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही वो खत्म हो जाएंगे। बहुत ही इजी स्टेप में हम समझेंगे कि जो है कैसे हम अपना जो क्वेश्चन है और जो करेक्ट ऑप्शन जो हमने चूज़ किया है वो कहाँ पे मिलेगा हमको और कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो है NTA द्वारा जो है यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि भाई जल्द ही आपको अपडेट दी जाएगी और तुरंत ही ये अपडेट दे करके बता दिया गया कि भाई आपकी जो CUET PG की आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए ताकि आगे जो अपडेट्स आएंगी वो आप तक जल्दी से पहुंचती रहें। इसके साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करिए। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अब हम यहाँ से आपको सारा प्रक्रिया दिखाएंगे कि आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं तो आप ईज़िली कैसे उस चीज़ को कर सकें। ठीक, तो ये इनका जो है आप देख सकते हैं जो इनका नोटिफिकेशन है। अब सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से गूगल पर ले जाकर के दिखाती हूँ और वहां पर आपको CUET PG जो है बस लिख देना है। ठीक है, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट भी लिख सकते हैं बट ये इजी स्टेप है। हाँ, इसको करने से पहले आप अपने पास एक कॉपी ले लें और एक पेन ले लें, उससे इजी ये रहेगा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अगर लिख लेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ठीक, तो चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने CUET PG जो है वो गूगल से किया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पहली ही जो वेबसाइट आई है CUET PG NTA, तो यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आप देखिए कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहला ही जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, आंसर की चैलेंज फॉर CUET PG 2023। अब ये आंसर की चैलेंज क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं और कब तक उसकी डेट है, सब चीज़ों को हम आराम से समझेंगे क्योंकि ये जो है आपको काफ़ी धैर्य के साथ अपने आंसर की को जो है चेक करना है क्योंकि इस आंसर की जो आई है उसको अपने जो रिस्पॉन्स की है उससे मिलाने में बहुत सारे बच्चे जो है गलतियाँ करते हैं, वहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके मार्क्स में डिफ्रेंसेस भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है अब देखिए आपको ये जो दिख रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले जो है आपका प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पांस जो आपने उसमें टिक किया है उसके साथ फॉर आंसर की चैलेंज फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2023। तो ये आ चुका है, ये बिल्कुल ऑफिशियल बिल्कुल सही है आपका। तो चलिए अब करना आपको ये है, पहला स्टेप CUET PG गूगल पे गए वहाँ पे लिखा आपने, दूसरा स्टेप कि ये जो आपने CUET PG की जो आपको पहली वेबसाइट मिली है NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUET PG.NTA.in। ठीक, अब यहाँ पे जो आंसर की है इस पर क्लिक कर देंगे आप। अब देखिए आंसर की को क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है, आप फ़ोन में कर रहे हैं तो भी, लैपटॉप पर करेंगे तो भी, तो यहाँ देखिए रेड कलर से आपका लिखा हुआ है आंसर की चैलेंज फॉर CUET PG 2023। अब हमें कुछ नहीं करना है, यही जो रेड कलर से लिखा हुआ है आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। अब देखिए जब आपने क्लिक कर दिया है तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कभी कभी होता ये है, बहुत लर्नर्स हैं यहां पर जो व्यवहारिक समस्या है कि डुप्लीकेट सेशन लिखकर आता है। क्या लिखकर आता है? डुप्लीकेट सेशन। ऐसा क्यों लिख कर आता है अब मैं वो बताती हूँ और उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं उसको भी बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया है, आपने यहाँ पे इन किया, हो सकता है उस टाइम पे सर्वर जो है एरर हो या फिर डाउन हो, इस वजह से आपका नहीं हुआ। अब आपने क्या किया, बैक किया, फिर दो मिनट बाद फिर से आए वेबसाइट पर और चूँकि आपकी वेबसाइट बैकग्राउंड में ऑन है, ठीक, और वहाँ से आपने दोबारा से जो है उसमें एंट्री ली है, इसी कारण से डुप्लीकेट सेशन दिखाता है। जब भी ऐसा दिखाए तो तुरंत सारे के सारे एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में है उसको बंद करिए और बंद करने के बाद आप रिफ्रेश एंट्री यहां से करिए, तब आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
क्लियर है। अब यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको दो ऑप्शन दिया है, या तो आप एप्लीकेशन नंबर के साथ पासवर्ड का प्रयोग करें या तो एप्लीकेशन नंबर के साथ अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रयोग करें। तो यहाँ पे मैं एक जो लर्नर है उनका यहाँ पे डालती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रक्रिया दिखाती हूँ। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, जब आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ पर मिला होगा, पासवर्ड भी होगा या डेट ऑफ बर्थ अगर याद है तो वो भी अच्छी बात है। ठीक, तो एक तो पहला चीज़ आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठे वहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको फिल करके मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए, जब आप एप्लीकेशन नंबर जो लॉगिन करेंगे और डेट ऑफ बर्थ के लिए करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो CUET PG का ये आपका दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, DOB डालेंगे। ठीक, तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा व्यू अपने फ़ोन में देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको अलग अलग एक्टिविटीज़, आपका नाम और कंफर्मेशन पेज, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक, तो आपको यहाँ से सीधे नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि व्यू क्वेश्चन पेपर एंड व्यू चैलेंज आंसर की। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर को व्यू करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पर दो फ़ोन चाहिए होगा, अगर नहीं है तो आपको अपने कॉपी पर राइट करना होगा। ठीक, देखिए, जो हम मैच करेंगे वो हम चैलेंज आंसर की से मैच नहीं करेंगे। जो आपको यहाँ ये क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है ना, तो देखिए जैसे इन्होंने तीन जो है सब्जेक्ट को लिया है, अगर आपने एक लिया होगा तो आपका एक दिखाएगा, दो लिया होगा, दो भरा होगा तो दो, यहाँ तीन भरा गया है तो तीन आ रहा है। ठीक, MA एजुकेशन से है, हिंदी MA हिंदी है एंड साइकोलॉजी हिंदी, क्लियर है। तो ये जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन आईडी दिया रहेगा और उसका ऑप्शन दिया रहेगा जो आपने सेलेक्ट किया है और वही उसी से आपको मिलाना है। ठीक, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टाइम, ये सारी चीज़ें दिया रहेगा। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही आपके सामने भी आएगा। तो ये जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर वन है तो हम इसी से करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इससे कोई लेना देना नहीं है जब आप चेक कर रहे हैं तब। तो आपको किससे लेना देना है, तो देखिए जब आपने इसको किया है तो यहाँ पर आपको एक ये क्वेश्चन आईडी ये दिया हुआ है। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, आपको इसी से मतलब है। मतलब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन आईडी का मतलब जो प्रश्न है ये उसकी आईडी है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन वन आईडी का मतलब पहले ऑप्शन का है, क्वेश्चन नंबर टू थ्री ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन फोर, इस प्रकार से चारों ऑप्शन की आईडी दी हुई है और क्वेश्चन आईडी दी हुई है। बिल्कुल आसानी से इसको समझने की कोशिश करिए कि आपको सिर्फ जो प्रश्न की आईडी है जिसको क्वेश्चन आईडी लिखा है आपको इससे मतलब है। मतलब कि ये जो आपको लिखा हुआ है ना, ये वाला आपको पहला तो इससे मतलब है और जो दूसरा आपको मतलब है वो आपको आपके ऑप्शन से है। तो देखिए यहाँ पर आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, वन ऑप्शन। ठीक, कौन सा चूज़ किया है आपने, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्वेश्चन की आईडी क्या है, लास्ट में 6368634010740। तो मान लीजिए आप कॉपी पे, यहाँ पर अगर आप कॉपी से भी करते हैं तो भी आप कर लेंगे, तो उसमें ये है बस कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और फ़ोन में भी है तो अगर आप मतलब वेबसाइट्स को अभी मैं आपको दिखाती हूँ करके, वैसे करके भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम ज़्यादा लगेगा। बट अगर दो फ़ोन रहेगा आपके पास तो आप क्लियरली कर लेंगे, अदरवाइज़ लिख लीजिए। तो क्वेश्चन आईडी एक तरफ लिख सकते हैं आप, एक तरफ अपने सेलेक्टेड ऑप्शन को लिख सकते हैं। ठीक, जैसे ऑप्शन आईडी में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, लास्ट में 404 है। ठीक है, क्योंकि बाकी सबका तो वो एज इट इज सेम रहता है, लास्ट का आप तीन से चार डिजिट जैसे मैंने यहाँ पर लिया। अब मैं आपको बाकी दिखाती हूँ। तो देखिए फ़ोन में चूंकि ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर यही लैपटॉप रहता तो लैपटॉप में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे इसमें क्या है कि अगर हम बैक में जा भी रहे हैं तो वो एक ही वेबसाइट ओपन हो रही है और जब आप उसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ डुप्लीकेट सेशन लिख कर आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आईडी हमने नोट कर ली, तो ऐसे ही अगर आपके पास दो फ़ोन है तो दो से चला लीजिए, एक में ये खोल लीजिए और एक में जो मैंने व्यू चैलेंज आंसर की किया उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दो का बता देती हूँ। जैसे देखिए इस क्वेश्चन की आईडी क्या है आपकी, लास्ट में 743 है और इसमें जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो 2 है। तो आप किसकी आईडी के साथ यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन 2 की आईडी से साथ जाएंगे क्योंकि आपने वही चूज़ किया हुआ है। तो 2 की आईडी में देखिए क्या है, 414। मैं आपको 3 से 4 का यहाँ पर दिखा दे रही हूँ करके ताकि ईजिली आप इसको समझ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है, एक तरफ करेक्ट, जैसे देखिए जब आप कॉपी में अगर लिख पा रहे हैं तो एक तरफ आप लिखिए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, और एक तरफ आप एक तरफ सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन आईडी, क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन आईडी।
ठीक, और लास्ट के 3 या 4 डिजिट आप लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए अपना ऑप्शन, ठीक, एक तरफ ऑप्शन और एक तरफ टिक के लिए छोड़ दीजिए राइट या रॉन्ग, ठीक है। आप वहाँ पे जैसे आप करेंगे कर लीजिए। तो जैसे देखिए मैंने आपको पहले का बताया था 740, मैं खुद भी लिख रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा ऑप्शन उसका हमने 404 लास्ट में लिया। अब जब हम आंसर की जो चैलेंज वाला है वहाँ पर जाएंगे तब हमको पता लगेगा। तो ऐसे आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं इजिली, नहीं तो दो मोबाइल है तो आप वैसे भी कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आईडी कितनी है लास्ट में, 742, आप देख पा रहे हैं 742, ये आपकी जो है यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है। 4 डिजिट भी लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑप्शन 3 चुना गया है इनके द्वारा जिसका आपका है 2411, क्या है 2411, 411 लास्ट में जो है। तो 3 का मैंने कर लिया, अब आपको इतना मैं करके दिखाती हूँ। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आप जो है 2 फ़ोन आपको यूज़ करना होगा, नहीं तो कॉपी का प्रयोग करना होगा। तो चलिए अब मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ कि अब हम दूसरे सेकेंड टाइम हम किस कैसे करेंगे। तो अब ये देखिए जैसे ही मैंने इसको बैक में क्लिक किया है तो यहाँ पे फिर से मेरे सामने यही इंटरफेस आ चुका है जहाँ पे व्यू क्वेश्चन पेपर है। अब यहीं से हम जो है व्यू एंड चैलेंज आंसर की का जो है इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर है। देखिए जब आप जो है आंसर की व्यू चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको फिर से ऑप्शन देगा। तो हमने अभी कौन सा पेपर का देखा था, तो हमने एमएड का देखा था, तो हम एमएड को ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखिए एमिट को करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एज इट इज, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1-2 से कोई मतलब नहीं है। जो हमने अभी क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट की थी तो पहले का अगर आपको याद हो तो 740 था, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वही है आपका 740 और उसका हमने ऑप्शन क्या क्लिक किया था, जो आपके ऑप्शन आईडी थी वो थी 404, यही थी 404, बट यहाँ पे क्या है 401 जो करेक्ट है। इसका मतलब है कि उनका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो जब आपने उसका कॉलम बनाया होगा, यहाँ पे 3 कॉलम मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आप रॉन्ग का साइन लगा देंगे, ठीक। सेकेंड जो उनका क्वेश्चन था उसकी आईडी थी 743, क्या आईडी थी 743, देखिए लाइन से दिया है, मैंने बोला ना लास्ट के 3 डिजिट अगर आप पकड़ते तो आप इजीली कर लेंगे। 743 ये देखिए यहाँ पर है, उसका उन्होंने करेक्ट ऑप्शन लगाया था 414, 414, देखिए यहाँ 414 करेक्ट है उनका। इसका मतलब इस पर हम क्या लगा देंगे, सही टिक कर देंगे, तो हमारा एक गलत हो गया एक सही हो गया। इसके बाद 742 था, क्या था हमारा 0742, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0742, और इसका सही ऑप्शन उन्होंने लगाया था 411, तो 411 देखिए सही है, ठीक। तो एक तो ये तरीका है, 3 हमने किया था जिसका मैंने आपको दिखा दिया। तो मिला जुला करके आपको जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि देखिए एक बार मैं आपको सिंपल में शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि CUET PG गूगल पे जाकर सर्च करना है, पहली जो वेबसाइट मिलेगी NTA की उस पर जाकर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर आपको आंसर की चैलेंज लिखा रहेगा उस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे तुरंत आपको वहाँ पर एक रेड कलर से लिखा रहेगा आंसर की, और वहाँ पे फिर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं, या तो फिर आप जो है अपने डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन के साथ करिए, या तो फिर जो है एप्लीकेशन और पासवर्ड के साथ करिए। हमने डेट ऑफ बर्थ के साथ किया था, वहाँ जो जो चीज़ें पूछेंगी आपसे, भाई डेट ऑफ बर्थ ये सब पूछेगा, आप भर दीजिए और उसके बाद आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होते ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे नीचे की तरफ जाते ही आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा व्यू क्वेश्चन पेपर का, और दूसरे नीचे आप में लिखा रहेगा चैलेंज का, ठीक। अगर लैपटॉप में करेंगे तब तो आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, बट फिर वही एक बार इसको क्लिक करो एक बार उसको क्लिक करो, तो वो भी प्रॉब्लम ही है। तो किसी घर में किसी बड़े भैया दीदी मम्मी पापा किसी का फ़ोन है तो ले लीजिए, और नहीं है तो भाई ठीक है अपने पास कॉपी पेन हमेशा की तरह है तो हम उससे भी लिख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू क्वेश्चन पेपर, जो लोग कॉपी लिखेंगे मैं उनके लिए बता दे रही हूँ सबसे इजी जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जब आप व्यू क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 कॉलम अभी से बना लीजिए। 3 कॉलम, पहले कॉलम में लिखिए कि क्वेश्चन आईडी, क्या लिखेंगे आप क्वेश्चन आईडी, सेकंड ऑप्शन में चूजन जो आपका है वो लिख लीजिए, और थर्ड में जो है करेक्ट ऑप्शन लिख लीजिए, ठीक है। सही अगर तो टिक कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस ये 3 ऑप्शन बनाइए, और आप चाहे तो एक बार में पूरे क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पूरे डिजिट लिखने से बेटर है कि लास्ट के 3 डिजिट को बस लिखिए,
जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोगों ने 740, 742, 743, इसी प्रकार 744, 45 आगे वो बढ़ता जाता। 33 डिजिट लिखिए, जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है उसको लिखिए। और ये ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा? ये ऑप्शन आपको आपके क्वेश्चन पेपर, जो व्यू क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से मिलेगा। क्लियर है? तो बस व्यू क्वेश्चन पेपर से आपको इन्हीं चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको? आपकी क्वेश्चन आईडी क्या है और आपने क्या सेलेक्ट किया है। जब इतनी प्रक्रिया को आप अपने कॉपी पर लिख लेंगे या दूसरे मोबाइल से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप जाएंगे, वापस से बैक करेंगे, तुरंत आपके सामने वही चीज़ खुली रहेगी। अब बस आपको व्यू क्वेश्चन पेपर छोड़ करके चैलेंज पे क्लिक करना है, चैलेंज आंसर की पर क्लिक करना है। क्लियर है? अब जब आप चैलेंज आंसर की पर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जैसा मैंने इंटरफेस दिखाया था, ये जो अभी भी आपके सामने लगा हुआ है कुछ इसी प्रकार का दिखाएगा। ठीक, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए इसी प्रकार का आपको दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज नहीं है। जब आप आगे जाएंगे, 25 क्वेश्चन चूँकि हिंदी इन्होंने लिया है तो 25 क्वेश्चन हिंदी के बाद आपका जो एमएड है, देखिए वो एज इट इज़ वही क्वेश्चन आपका होने लगेगा। ठीक है, एमएड के जो भी प्रश्न है वो आपका आने लगेगा। ठीक है, 25 के बाद से। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है आपका आईडी है क्वेश्चन का और ये उसका सही आंसर है। अब ये जो आपको देखिए, ये जो दूसरा वाला कॉलम है ना, ये जो दूसरा वाला है, अगर ये जो आपका ऑप्शन है उसके साथ मैच कर रहा है तो आप अगले वाले ऑप्शन में टिक कर देंगे, नहीं मैच कर रहा तो गलत कर देंगे। उसके बाद जितना सही है उसको काउंट कर लीजिए, आपका वहाँ पर निकल आएगा। ठीक, ये तो प्रक्रिया थी आपका कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सरल शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, डुप्लीकेट सेशन जैसे जो दिखा रहा था उसको मैंने बताया, कॉपी पे कैसे आप कम से कम टाइम में लिख सकें, जैसे लास्ट के 3 डिजिट मैंने आपको बताया उसको आप कर लें। इतना सब करने के बाद अगर कोई और समस्या आती है, और काफ़ी लोगों का अगर खुल नहीं रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी रात हो गई है, दिन में सुबह ट्राई करिएगा, हो जाएगा ओपन, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसके अलावा कोई और अन्य समस्या है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप बता सकते। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।